हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? हाँ जी बेटे, इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं मॉक टेस्ट पेपर नंबर 2। हम कवर करेंगे एमटीपी सीरीज नंबर 2। कौन से एग्जाम्स के लिए? नवंबर 24 एग्जाम्स के लिए बेटे। और ये बात सारे बच्चे जानते हैं कि हर अटेम्प्ट में एक आरटीपी और दो एमटीपी आते हैं। तो आरटीपी मैं आपको नवंबर 24 एग्जाम्स के लिए दे चुका हूँ, लिंक टेलीग्राम पे पड़ा है। MTP 1 आपको दे चुका हूँ, उसका भी लिंक टेलीग्राम पे पड़ा है, वीडियोस यूट्यूब चैनल पे पड़े हैं, और एक MTP 2 का वीडियो रह गया, वो भी शेयर कर रहा हूँ। एज यूजुअल आपको पता है MTP एग्जाम के पैटर्न पे आता है, दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट 30 मार्क्स का MCQ, सेकेंड पार्ट 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव। और बच्चे ये जानना चाहते हैं, सर फटाफट बताओ इस MTP का लेवल क्या है। तो बेटे इसमें अगर मैं डिस्क्रिप्टिव पेपर की बात करूं, 70 मार्क्स का जो पोर्शन है, सारे क्वेश्चन कट कॉपी पेस्ट स्टडी मैट से उठाए हुए हैं। और आपको पता है इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट का एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल हमारी क्लास बुक में है। तो मैं आपको क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दूंगा और मुझे कुछ पढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लास में सारे मेरे हाथ से सॉल्व किए हुए क्वेश्चन है। जब कोई नया क्वेश्चन ही नहीं है तो मैं कराऊंगा क्या आपको? मैंने तो सिर्फ क्लास बुक का क्वेश्चन बताना है आपके सेटिस्फेक्शन के लिए, कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, तो आपको हो जाएगा कि हाँ ये पढ़े हुए हैं सारे। अब आते हैं MCQs पे। 30 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव तो मानो कि कट कॉपी पेस्ट वही है। उसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने टेस्ट में भी डाले थे, जो दो टेस्ट आपको टेलीग्राम पे दिए हैं, मेरे सिलेक्ट किए हुए क्वेश्चन है वही MTP में है। डिस्क्रिप्टिव में मुझे कुछ नहीं पढ़ाना, मैं आता हूँ MCQs पे जो 30 मार्क्स के हैं। और इस MTP में MCQ का लेवल भी लो है, बिल्कुल सिंपल आसान MCQs हैं। और मुझे लगता है 35-40 मिनट का वीडियो है, मैं इसको निपटा के चला जाऊंगा। तो मैं बेटे टाइम क्यों खराब करूं आपका? एग्जाम का टाइम चल रहा है अभी, ये हमारा पार्ट 1 है, ये MCQs हैं 30 मार्क्स के। मैं पहला केस शुरू करता हूँ बेटे, ये हमारा फर्स्ट केस है। क्या कहता है जी? ABC लिमिटेड मेंटेन्स इट्स अकाउंट्स एंड प्रिपेयर्स इट्स एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद इंड एएस। ये कोई बताने वाली बात है? अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड होता तो इंटर में पढ़ रहे होते हैं हम, इंड एएस बेस्ड है तभी फाइनल में पढ़ रहे हैं। इट इज अ डाइवर्सिफाइड ग्लोबल बिजनेस ग्रुप विद ऑपरेशंस स्पैनिंग मल्टीपल सेक्टर्स। कहानी सुन ली हमने, सारी कहानी सुन ली, सीधा सीधा फर्स्ट पार्ट पे आओ यार, काम की बात करते हैं। ये इसका फर्स्ट पार्ट है बेटे, और ये क्वेश्चन इन्होंने बनाया इंड एएस 34 में से। और इंड एएस 34 आपको पता है IFR का है, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। और ये क्वेश्चन मेरा क्लास में करवाया हुआ है, फिर भी मैं MCQ डिस्कस कर रहा हूं। क्या कहते हैं जी? ABC लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स ऑटोमोबाइल पार्ट्स। बहुत बढ़िया। इट हैज शोन नेट प्रॉफिट ऑफ 20 लाख रुपीज फॉर द थर्ड क्वार्टर X2 X3। ओके, 1 अप्रैल से 30 जून पहली क्वार्टर, 1 जुलाई से 30 सितंबर सेकेंड क्वार्टर, 1 दिसंबर से 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर थर्ड क्वार्टर। ये रहा जी, ये हमें थर्ड क्वार्टर का 20 लाख रुपीज प्रॉफिट बता रहे हैं। आगे पढ़ना चाहिए, फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर मेड वाइल कंप्यूटिंग द नेट प्रॉफिट। जब इन्होंने नेट प्रॉफिट निकाला होगा, वाइल कंप्यूटिंग नेट प्रॉफिट इन्होंने कुछ एडजस्टमेंट्स किए हैं। अगर सही होंगे तो इग्नोर कर देंगे, गलत होंगे तो रेक्टिफाई कर लेंगे। हमें पढ़ना चाहिए फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है। कोई बैड डेट्स हैं जी 1 लाख रुपीज के, अगर बैड डेट्स है तो राइट ऑफ करो, राइट ऑफ कर दिए होंगे। जिस क्वार्टर का खर्चा है उसी क्वार्टर में राइट ऑफ होता है, ये कोई पूछने वाली बात है? तो मैं तो मानूंगा कि 20 लाख रुपए आफ्टर राइटिंग ऑफ बैड डेट्स होंगे। इनकर्ड ड्यूरिंग द क्वार्टर, बिल्कुल ठीक है। 50% ऑफ द बैड डेट्स हैव बीन डेफर्ड टू द नेक्स्ट क्वार्टर। ये कलेश है। मैंने आपको क्लियरली बोला था इंड एएस 34 में कि आप कोई भी एक्सपेंस या इनकम डेफर नहीं कर सकते, डेफरमेंट इज नॉट अलाउड ऑफ एनी इनकम और एक्सपेंस। तो अगर 1 लाख रुपए के बैड डेट्स हैं, 50% इन्होंने डेफर कर दिए, इसका मतलब ये जो नेट प्रॉफिट आपको 20 लाख रुपए का नजर आ रहा है,
इसमें से आपको 50,000 रुपये और राइट ऑफ करने चाहिए। 50,000 ये करके आए हैं, 50,000 डेफर किए हैं, वो डेफर नहीं होने चाहिए थे, तो ये 50,000 रुपीज आपको और लेस करने चाहिए, तो आपका प्रॉफिट मेरे हिसाब से 19.5 लाख का होना चाहिए। क्यों किया डेफरमेंट? अलाउड ही नहीं है जब, तो 50,000 रुपीज को प्रॉफिट में से डिडक्ट करके दिखाना चाहिए आपको, क्योंकि वो माइनस होने रह गए। और क्या एडजस्टमेंट है जी? सेकंड पॉइंट में आओ। ₹5 लाख एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पर्टेनिंग टू दी थर्ड क्वार्टर। थर्ड क्वार्टर के 5 लाख रुपए के कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, इज डेफर्ड ऑन दी आर्ग्यूमेंट दैट दी फोर्थ क्वार्टर विल हैव मोर सेल्स, देयर फोर फोर्थ क्वार्टर शुड बी डेबिटेड बाय दी हायर एक्सपेंडिचर, दी एक्सपेंसिस आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट दी ऑल। हैला बताओ यार, फिर गलती कर रहे हैं, फिर डेफरमेंट पूछ लिया आपसे, 5 लाख रुपए और माइनस करो, तो मेरा जो नेट प्रॉफिट है वो 14.5 लाख रुपए का होना चाहिए। ना तो इनको 50,000 रुपए के बैड डेट्स डेफर करने चाहिए थे, और ना ही इनको 5 लाख रुपए के एडमिनिस्ट्रेटिव। डेफरमेंट इज नॉट अलाउड बेटे, क्लियर कट रूल है, आपकी कॉपी खोलो, लिखवाया हुआ है आपको, डेफरमेंट थोड़ा ना हो सकता है। जो खर्चा जिस क्वार्टर का उसको राइट ऑफ करके परे मारो आप। अब इसके ऊपर इन्होंने 2 MCQs बना रखे हैं, इसके ऊपर इन्होंने 2 MCQs बना रखे हैं। देखो ये 2 MCQs हैं। पहला MCQ, व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट्स इनकर्ड ड्यूरिंग द थर्ड। कहते जी बैड डेट्स का ट्रीटमेंट बताना। बताना क्या है? 20 लाख में से माइनस करो इसे, जो 50,000 का बैड डेट इन्होंने डेफर किया हुआ है वो 20 लाख के प्रॉफिट में से माइनस होगा। ट्रीटमेंट क्या बताना है? ये तो इंटर का बच्चा जो AS 25 पढ़ता है वही बता देगा आपको, इसमें फाइनल वाली क्या बात है, ये तो आप मेरे इंटर के बच्चे से पूछोगे वो भी बता देगा। क्या आंसर है जी? पहला पॉइंट पढ़ो जरा। बैड डेट्स एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग थर्ड क्वार्टर शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द सेम क्वार्टर। यहां तक तो ठीक कह रहे हैं। अकॉर्डिंगली 50,000 शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द 20 लाख रुपीज। लो जी बताओ, पहला आंसर ही करेक्ट मिल गया आपको, पहला आंसर बिल्कुल करेक्ट है, तो हमारा आंसर है इसमें ए। तो फिर बाकी के तीन ऑप्शन में क्या है? बैड डेट्स एक्सपेंस इनकर्ड ड्यूरिंग थर्ड क्वार्टर शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इक्वली इन द थर्ड एंड फोर्थ। गलत बात है, फोर्थ कहां से आ गया ना, गलत है। बैड डेट्स एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग थर्ड क्वार्टर शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ये भी गलत है, थर्ड क्वार्टर का खर्चा है, थर्ड क्वार्टर में राइट ऑफ करो, फाइनेंशियल ईयर के एंड में थोड़ा ना लेके जाएंगे। डेफरमेंट इज नॉट अलाउड। नो बैड डेट अकाउंटेड इन दी आई एफ आर इन एनी ऑफ दी क्वार्टर। ये भी गलत है, कहते बैड डेट्स को इग्नोर ही कर दो, ऐसे कैसे इग्नोर कर दें। तीनों आंसर गलत है, इसका आंसर है ए। अच्छा जी, सेकेंड MCQ, द करेक्ट नेट प्रॉफिट टू बी शोन इन आई एफ आर ऑफ दी थर्ड क्वार्टर शेल बी। थर्ड क्वार्टर का एक्यूरेट प्रॉफिट कितना होना चाहिए? अभी तो बताया था 14.5 लाख रुपए, 14.5 लाख। ऑप्शन में ढूंढो, ये राजी डी, इसको ऑप्शन है डी। 50,000 के बैड डेट्स माइनस करो, 5 लाख का खर्चा, 5.5 माइनस करना है आपने, 20 लाख में से 5.5 माइनस करोगे, 14.5 आएगा। पहले का आंसर है ए, दूसरे का डी। मैं अगला केस स्टडी पढ़ने जा रहा हूं। हो गया सर, बस इतने काम था। ये कोई क्वेश्चन है बेटे बताओ? मैं इसमें आ गया। एबीसी लिमिटेड एंटर्स इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड अ पावर प्लांट फॉर अ कस्टमर। एक कस्टमर के लिए पावर प्लांट बनाने की बात हो रही है, तो ये क्वेश्चन है इंड एएस 115 का, क्योंकि जितने भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो 115 के दायरे में आते हैं। हमने कस्टमर को एक पावर प्लांट बना के देना है। द एंटिटी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। हमने कॉन्ट्रैक्टर को बोला भैया ओवरऑल प्रोजेक्ट आपका, हमें तो पावर प्लांट चलता हुआ दे दो, पूरे प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट में क्या क्या इंक्लूड रहेगा। अगर कोई इंजीनियरिंग वर्क है आप करोगे, अगर कोई साइट क्लियरेंस है आप करोगे, कोई फाउंडेशन वर्क है आप करोगे, प्रोक्योरमेंट आप करोगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर आप करोगे, पाइपिंग वायरिंग सब आप करोगे, इंस्टॉलेशन ऑफ इक्विपमेंट आप करोगे,
तो पूछना क्या चाहता है ये? आओ जरा थर्ड केस में आओ, क्या पूछना चाहता है आपसे? ये रहा जी थर्ड क्वेश्चन, हाउ मैनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस डज द एंटिटी हैव? कहता है बताना जरा इस कॉन्ट्रैक्ट में कितने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। मेरे लिए तो एक है, जब मैंने पावर प्लांट का काम ही आपको दे दिया और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दे दी, तो उसके अंदर जितने भी काम है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने कोई इंजीनियरिंग, फाउंडेशन, रिमूवल, इसके लिए कोई अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा ना किए हैं आपके साथ। मैंने बोला पावर प्लांट बना दो, तो पावर प्लांट के अंदर ये सब इंटीग्रल सर्विसेज है। तो कहते जी क्या ये तीन है? ना, दो ऑब्लिगेशन है, ना मोर देन थ्री है, ना सिंगल ऑब्लिगेशन है सर। सी, और आप भूल रहे हो, डिट्टो क्वेश्चन क्लास में कराया हुआ है, जिसमें एक विला का हमने ऑर्डर दिया था और उस विला के अंदर पाइपिंग, प्लम्बरिंग, इलेक्ट्रिसिटी सारा काम था। और मैंने बोला था जब आप किसी को बोलते हो कि घर बना के दो, तो सारी एक्टिविटीज उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती हैं। और अगर हम अलग अलग एक्टिविटी का अलग अलग प्राइस रखेंगे, फिर वो मल्टीपल ऑब्लिगेशन हो जाते हैं। यहाँ तो आपने पावर प्लांट का काम किया है, एक ऑब्लिगेशन है। इसका आंसर है सी, ये तो कोई क्वेश्चन खास नहीं है। अगली केस स्टडी में चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपने किया हुआ है क्लास में, मैं दिखाता हूं, ये भी क्लास बुक का क्वेश्चन ही है। क्या कहता है जी इसमें? इन द फाइनेंशियल ईयर X1 X2, ओके, एबीसी लिमिटेड इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इन एक्वायरिंग प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ 6 आइडेंटिकल हाउसेस ईच विद सेपरेट लीगल टाइटल इंक्लूडिंग द लैंड ऑन विच। हमने 6 घर खरीदे हैं सर, और ये 6 के 6 जो घर हैं वो एक ही प्रॉपर्टी में बने हुए हैं। एक तरह से 6 विला नहीं होते? गोवा में जाओ आप, तो गोवा में क्या है ना, जैसे किसी के पास 1 एकड़ लैंड है, तो उसने क्या करा है, 5-6 विलास बना रखे हैं और लोगों को किराए पे चढ़ा रहा है। तो लैंड गेटेड सोसाइटी है, एक ही लैंड है, उसके ऊपर 5-6 घर बना के लेट आउट कर रहे हैं वहां पे। ये क्वेश्चन क्लास बुक में है अपनी। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन वेरियस डेट्स इज गिवन बिलो। 1 अप्रैल को इन्होंने परचेज कॉस्ट बताई है 1,80,00,000 की, मैं लिख लेता हूं 1.8 करोड़, बहुत बढ़िया जी, ये परचेज प्राइस है। 1 अप्रैल X2 नॉन रिफंडेबल टैक्सेस हैं 20 लाख के। अगर रिफंडेबल होते कॉस्ट में नहीं आते, नॉन रिफंडेबल है, हम जोड़ देते हैं 0.2 करोड़। 1,80,00,000 का परचेज प्राइस है, 20 लाख के टैक्सेस हैं, टोटल कॉस्ट हो गई है 2 करोड़ रुपए की। फिर कह रहा जी 2 अप्रैल को लीगल कॉस्ट रिलेटेड टू प्रॉपर्टी एक्विजिशन 5 लाख रुपए है। लो जी मैं और ऐड कर देता हूं, अगर लीगल कॉस्ट है कैपिटलाइज करेंगे हम, कोई स्टैम्प पेपर है, कोई ब्रोकरेज है, कोई कमीशन है, सब ऐड होते हैं। जो जो पैसा आप प्रॉपर्टी के एक्विजिशन में खर्च करते जाएंगे, प्रॉपर्टी की कॉस्ट में आता जाएगा। इंड एस 16 का क्वेश्चन है ये, आपकी क्लास बुक में है, और इंड एस 16 में मैंने आपको काफी तरीके से एसेट परचेज करने के बारे में बताया था। आप कैश में खरीद सकते हैं, आप एक्सचेंज ऑफ एसेट्स कर सकते हैं, आप शेयर इशू कर सकते हैं, आप सेल्फ कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, आप लोन पे ले सकते हैं, कितने तरीके बताए थे आपने। अच्छा, फिर 6 अप्रैल को इन्होंने एडवर्टीजमेंट खर्च की है किराएदारों को अट्रैक्ट करने के लिए। एडवर्टीजमेंट, सेरेमनी कॉस्ट, डे टू डे रिपेयर, कोई भी खर्चा कैपिटलाइज नहीं होता। एडवर्टीजमेंट तो जाता पी एंडल में, आप अपनी क्लास कॉपी खोलो, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है व्हाट टू बी इंक्लूडेड, व्हाट नॉट टू बी इंक्लूडेड। उसमें लिस्ट बना के दी थी आपको मैंने कि क्या क्या इंक्लूड होगा और क्या क्या नहीं होगा। तो उसमें एडवर्टीजमेंट है, सेरेमनी एक्सपेंसिस है, इनोग्रेशन एक्सपेंसिस है, ऑपरेटिंग कॉस्ट है, डे टू डे रिपेयर है, कुछ भी कैपिटलाइज नहीं होता, ये पी एंडल में जाएगा। कोई ओपनिंग सेरेमनी फंक्शन किया आपने, ये भी पी एंडल में जाएगा। आपने कोई 1,00,000 रुपए डे टू डे रिपेयर में खर्च किए हैं, ये भी पी एंडल में जाएगा।
फिर प्रॉपर्टी की कॉस्ट कितनी हुई? 2 करोड़ 5 लाख रुपए। लो बेटे, ये कोई क्वेश्चन है फाइनल लेवल का? 3 खर्चे जोड़ने हैं, 3 P&L में भेजने हैं। क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है? आगे क्वेश्चन कह रहा है जी, एबीसी लिमिटेड यूजेस वन ऑफ द 6 हाउसेस फॉर ऑफिस एंड अकोमोडेशन ऑफ इट्स फ्यू स्टाफ। 6 में से आउट ऑफ 6, वन ये अपने यूज के लिए रखेगा, जिसमें इसका स्टाफ रहेगा, ये अपना ऑफिस बनाएगा, तो हम इसको बोल सकते हैं ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। तो ये पीपीई में चला जाएगा, जो अपने यूज में रखेगा, जहां से अपना बिजनेस ऑपरेट करेगा। और जो बाकी के 5 हैं, उसको इन्होंने रेंट कर दिया है थर्ड पार्टीज को। तो बाकी के जो 5 हैं वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज में इंड एस 40 में क्लासिफाई हो जाएंगे। अब हमें पूछना यह है कि भाई क्या एमसीक्यू क्या पूछ रहा है हमसे ये? मैं जरा इसके एमसीक्यू में गया, क्या पूछ लेगा आपसे? कॉस्ट पूछ लेगा। ये इसके 3 MCQ हैं। कहते हैं व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द एंटायर प्रॉपर्टी? एंटायर प्रॉपर्टी की कॉस्ट है 2 करोड़ 5 लाख। बी, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी? अगर 2 करोड़ 5 लाख रुपए आपकी टोटल कॉस्ट है, तो 5/6 IP की कॉस्ट आ जाएगी, क्योंकि 5 घर किराए पे दिए हैं आपने। 2 करोड़ 5 लाख डिवाइडेड बाय सिक्स इंटू फाइव 1708333 है कुछ ऐसा ऑप्शन? ये रहा जी, आंसर है ए। और क्या पूछ रहे हैं? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी? तो 2 करोड़ 5 लाख रुपीज का 1/6 1/6 ये कितना आ रहा है? 3416666 है कोई ऐसा ऑप्शन? ये रहा सर सी। तो BAC, BAC, BA और C। मैं आपको पहले 6 MCQ चेक कराता हूं कि क्या ये ऑप्शन सारे ठीक है आईसीए के। ADC, BAC, ये रहा हमारे पास आंसर। पहले का ADC, 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 ADC। अगला है BAC, BAC। ये पहले 6 क्वेश्चन हो गए आपके, और 6 क्वेश्चन का मतलब 2 नंबर के हिसाब से 12 नंबर पक्के हो गए हमारे। पहला केस कंप्लीट हो गया, हम अगले केस में चलते हैं अब। बस सर, हाँ जी, यही काम है बस। लो जी, केस नंबर 2 में आ गए। ये इसकी जो कहानी है ये आप पढ़ लेना, मैं मुद्दे की बात करता हूं। ये पहला केस है इसका। आपको प्रॉफिट बता रखा है इक्विटी होल्डर्स का 12 लाख रुपए। ओके, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर बता रखे हैं आपको 5 लाख। अगर 12 लाख रुपए का प्रॉफिट हो शेयर होल्डर का, 5 लाख शेयर्स हो, और मैं आपसे पूछूं कि बेसिक ईपीएस क्या है, तो आप बताओगे बेसिक ईपीएस 2.4। ये क्वेश्चन डिट्टो हमारी क्लास बुक में वहीं से उठाया हुआ है, बस एमसीक्यू है इसलिए करवा रहा हूं, क्वेश्चन नया नहीं है। अच्छा, फिर क्वेश्चन क्या कहता है जी? एवरेज मार्केट प्राइस है 20 रुपए का, एक्सरसाइज प्राइस है 15 रुपए का, और ईसॉप्स हैं इनके पास, ईसॉप्स 1 लाख शेयर के। तो 20 - 15/20 × 1 लाख शेयर्स तो 25,000 फ्री ऑप्शंस आ जाएंगे। ईसॉप्स के केस में डाइल्यूटेड ईपीएस भी निकलेगा, तो फेयर वैल्यू माइनस एक्सरसाइज प्राइस, आपको डिस्काउंट पता लग जाता है। 20 का शेयर 15 में 5 रुपए का डिस्काउंट है, 5/20 हो रहा है, तो 1/4 शेयर फ्री में जा रहे हैं आपके। तो होगा क्या, मैं 12 लाख का प्रॉफिट लूंगा, इसमें 0 ऐड करूंगा, 5 लाख शेयर लूंगा और इसमें ऐड करूंगा 25,000। डाइल्यूटेड ईपीएस निकाल सकते हो, डाइल्यूटेड ईपीएस आपका आ जाएगा 2.29। ये बेसिक है, ये डाइल्यूटेड है, और इस क्वेश्चन में कुछ निकल नहीं सकता, 2 ईपीएस निकल सकते हैं आपके।
और अगर मैं इसका एमसीक्यू आपको चेक कराता हूँ, यही पूछेगा और क्या पूछ रहे हैं इसमें, ये रहा जी। कहता बताना जी जरा बेसिक ईपीएस क्या है, बताना जी जरा डाइल्यूटेड ईपीएस क्या है। तो बेसिक तो आएगा 2.4, डाइल्यूटेड आएगा 2.29। ऑप्शन है बी, ऑप्शन है ए, बी ए। हो गया जी क्वेश्चन। अच्छा आगे चलते हैं, फिर हमारे पास है इसका सेकंड केस, डी ई एफ एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू बाय 100 टन्स ऑफ ककोआ बीन्स एट द रेट ऑफ 1,000 पर टन फॉर डिलीवरी इन 12 मंथ्स। पहली बात, डेरिवेटिव नहीं है। डेरिवेटिव क्यों नहीं है? डिलीवरी का कॉन्सेप्ट है। आपने 100 टन्स का कॉन्ट्रैक्ट किया है किसी कॉमोडिटी का, और वो भी 12 महीने में डिलीवरी का। अगर तो कोई प्राइस का डिफरेंस सेटल करना होता कि 1,000 रुपए में रेट फिक्स हो गया जी, मार्केट रेट देखेंगे, डिफरेंस कैश में सेटल कर लेंगे, फिर तो हम डेरिवेटिव की डेफिनेशन लिया। ये डेरिवेटिव तो है ही नहीं, ये तो डिलीवरी का कॉन्सेप्ट है, ये तो नॉन डेरिवेटिव है। ऑन सेटलमेंट डेट, ठीक है, द मार्केट प्राइस फॉर द कोकोआ बीन्स 1,500 पर टन। हमने 1,000 में खरीदा, रेट हो गया 1,500, 500 इंटू, अगर ये 50,000 रुपये कैश में सेटल कर लें, भाई 1,500 रुपये रेट हो गया, 1,000 रुपये में खरीदा हुआ है, 100 टन है, तो हमारे 500, 500 इंटू 50,000 रुपये बनते हैं। अगर तो कैश सेटलमेंट हो जाए तो डेरिवेटिव है, और अगर डिलीवरी का कॉन्सेप्ट आएगा, नहीं जी मेरे को तो माल चाहिए, फिर ये नॉन डेरिवेटिव हो जाएगा। देखते आगे क्या कहते हैं। द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी सेटल्ड नेट इन कैश एंड इज एंटर्ड फॉर डिलीवरी ऑफ कोकोआ बीन्स। लो जी, कैश में सेटल नहीं हो सकता, साफ साफ लिखा हुआ है, कैन नॉट बी सेटल्ड इन कैश। तो फिर ये एमसीक्यू में क्या पूछना चाहता है हमसे? एमसीक्यू में हमसे पूछना चाहता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू फॉर कोकोआ। आपको कॉन्ट्रैक्ट की नेचर बतानी है। क्या ये कैश कॉन्ट्रैक्ट है? नो, कैश कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा ना है। क्या ये डेरिवेटिव? नो नो नो। क्या ये डेरिवेटिव है? नो नो। ऑप्शन होगा डी, ये एग्जीक्यूटरी है, कॉन्ट्रैक्ट आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, डिलीवरी देनी पड़ेगी, और नॉन डेरिवेटिव है, ऑप्शन डी। कैश सेटलमेंट होता तो डेरिवेटिव हो जाता, आपको डिलीवरी करनी है तो नॉन डेरिवेटिव है और एग्जीक्यूटरी है ये, ऑप्शन है डी। मैं लिख लेता हूं डी। अगला केस बताओ जी क्या है। मैं आ गया इसके थर्ड पॉइंट में। डीईएफ लिमिटेड इन्वेस्ट इन सीसीपीएस। सीसीपीएस क्या होता है? भूल गए, भूल गए। कंपल्सरी कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, और इसको हम मानते हैं कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। मैंने क्लास में क्वेश्चन कराया था, और कंपल्सरी कन्वर्टिबल में दो चीजें होती हैं, प्रिंसिपल तो आपको कन्वर्ट करना है तो उसको डिस्काउंट करेंगे नहीं, और अगर इस पे आपको पेमेंट करनी है ब्याज की एनुअल, उसको डिस्काउंट कर लेंगे, वो फाइनेंशियल लायबिलिटी हो जाएगा। देखते हैं जरा, कंपल्सरी कन्वर्टिबल का केस है, प्रिंसिपल डिस्काउंट होगा नहीं, देखते हैं सीएफआई है कि नहीं है। इशूड बाय इट सब्सिडरी बी 1,000 ईच, 10 फेस वैल्यू, 990 प्रीमियम। ठीक है, आगे चलते हैं, प्लीज केयरफुली पढ़ना प्लीज। अंडर द टर्म्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अच्छा ये क्वेश्चन 109 में डिस्कस किया हुआ है, ये क्वेश्चन, ये भी 109 में डिस्कस किया हुआ है, दोनों इंडियस 109 के क्वेश्चन है। ईच सीसीपीएस इज कंपल्सरीली कन्वर्टिबल इनटू वन इक्विटी शेयर ऑफ बी एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स। कन्वर्जन हो जाएगा, मैं तो कह ही रहा हूं, जब कंपल्सरी का क्वेश्चन है तो प्रिंसिपल को डिस्काउंट करेगी नहीं, तो प्रिंसिपल तो इक्विटी में चला जाएगा, अब सिर्फ ब्याज का खेल रह गया। सच सीसीपीएस कैरी डिविडेंड एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। एक 12% का डिविडेंड है इसके ऊपर। पेबल ओनली, हम पेबल ओनली में क्या पढ़ने वाले हैं? व्हेन डिक्लेयर्ड एट द डिस्क्रिशन ऑफ बी। लो कर लो बात, बी कौन है?
भाई साहब, DEF है इन्वेस्टर और ये है इन्वेस्टी, मतलब इश्यूअर। भाई साहब क्लेश हो गया। पहली बात तो प्रिंसिपल कन्वर्टिबल है, उसकी तो बात खत्म हो गई, वो तो इक्विटी में चला गया। अब आते हैं 12% के डिविडेंड में। डिविडेंड जब आपका इश्यूअर डिक्लेयर करेगा तभी मिलेगा, यानी यानी क्यूमुलेटिव नहीं है, यानी मैंडेटरी नहीं है। अगर आपकी सब्सिडरी बी डिविडेंड देना चाहेगी तो देगी, नहीं देना चाहेगी तो नहीं देगी। इसका मतलब ना तो इंटरेस्ट का कोई ऑब्लिगेशन है, ना प्रिंसिपल का कोई ऑब्लिगेशन है, ये CFI है ही नहीं, ये तो प्योरली प्योरली इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है आपका। देर इज नो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश फॉर प्रिंसिपल, देर इज नो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश फॉर द डिविडेंड एज वेल, बिकॉज डिविडेंड इज पेबल एट द ऑप्शन ऑफ इश्यूअर। इश्यूअर अगर होल्डर की चॉइस होती फिर तो फिर एनुअल पेमेंट में लेता। तो मेरे से क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है, इस पे मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मेंशन इन, क्या ये फाइनेंशियल एसेट है, नो। क्या ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, नो। क्या ये, नो। ये प्योरली प्योरली इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है आपका, सी। ना प्रिंसिपल देना है, ना ब्याज देना है, इक्विटी है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है जब आपका। अगर बी लिमिटेड डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती, कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं है, नहीं देते जी पैसे, हमारी मर्जी। मार्केट में इस तरह के इंस्ट्रूमेंट पॉपुलर नहीं होते कभी भी, सी ऑप्शन है, सी। तो चार ऑप्शन हो गए, बी ए डी सी, बी ए डी सी, बी ए डी सी, बी ए डी सी, ये चार ऑप्शन होंगे, सातवां आठवां नौवां दसवां। चार क्वेश्चन और कर लिए हमने, 4 × 2 8 नंबर और पक्के हो गए, 12 नंबर पहले थे, तो 20 नंबर के MCQ तो यही है आपके, 10 क्वेश्चन हो गए, 6 और 4 10। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बेटे, 450 घंटे आपको FR पढ़ाई है मैंने, प्यार से एक एक कॉन्सेप्ट बताया है। तो जिस बच्चे ने ढंग से पढ़ा है सर, वो तो देखते ही खुश हो जाएगा, अच्छा ये तो कोई लेवल ही नहीं है। अच्छा जी सर, मैं जरा क्वेश्चंस में वापस आता हूँ, एक तीसरा केस रह गया मेरा बस, केस नंबर 3। लो जी, ये मेरा क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन है बेटे, ये हमारा इंड एस 103 का स्टेप बाय स्टेप एक्विजिशन का क्वेश्चन है, और इसमें एसोसिएट विद OCI है, और शायद आपको याद हो, मैं स्क्रीन पे दिखाऊं ये कौन सा क्वेश्चन है, अगर आपका मैं टाइम बचाना चाहूं तो। ये देखो, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट विद OCI, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट इन स्टेप बाय स्टेप, स्टडी मेट का कॉन्सेप्ट है मेरा, करवाया हुआ है। मैं आपको डिट्टो क्वेश्चन दिखाता हूँ, डिट्टो डिट्टो, बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट, आप यहीं से देख सकते हो। कौन सा क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 71 है जी, ये लो क्वेश्चन नंबर 71, यही क्वेश्चन उसमें आया हुआ है, डिट्टो, तो आप यहां से रेफर कर सकते हो। मैं लिख देता हूँ, आपका टाइम बच जाएगा बेटे। देखो ना, वही 8850, वही 30,000, वही 9,000, इन्होंने स्टडी मैट से क्वेश्चन उठाया, आपको दे दिया और MCQ बना दिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 71 है, 71 क्लास बुक इंड एएस 103, इंड एएस 103। चलो मैं आपको करा देता हूं बेटे यार, आप कहोगे सर ने शॉर्टकट मार दिया, लो। स्टेप बाय स्टेप में क्या था, हमारे पास एक एसोसिएट है लेकिन हमने उसको सब्सिडरी बना लिया, मैंने पहले इतने शेयर खरीदे कि वो मेरी एसोसिएट बन गई, फिर मेरे को मार्केट से और शेयर मिल गए, मेरा कंट्रोल आ गया, वो मेरी सब्सिडरी बन गई,
तो जब हम सब्सिडरी को रिकग्नाइज करते हैं तो एसोसिएट को डी रिकग्नाइज करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जब हम एसोसिएट को डी रिकग्नाइज करते हैं तो फेयर वैल्यू चाहिए। उसमें भी दो केस करा रखे हैं आपको, अब नोट्स खुले ही हैं तो आप देख ही लो, थोड़ा रिवीजन ही हो जाएगा। ये देखो दो केस कराए थे आपको, ये देखो फ्लो चार्ट बना के दिया था स्टेप बाय स्टेप में, कि अगर आपके पास प्रीवियस इक्विटी इंटरेस्ट 20% या उससे ज्यादा है तो डी रिकॉग्निशन कैसे करेंगे, और अगर प्रीवियस इक्विटी इंटरेस्ट आपके पास लेस देन 20% है तो क्या करेंगे। तो हमारा ये वाला केस एप्लीकेबल हो रहा है, जब हम एसोसिएट को डी रिकॉग्नाइज करते हैं तो हमारे पास 20% या उससे ज्यादा शेयर ही होते हैं। तो इस केस में क्या बताया था आपको मैंने कि जब आप एसोसिएट को डी रिकॉग्नाइज करेंगे तो जितने भी शेयर आपके पास होंगे एसोसिएट में वो फेयर वैल्यू पे डी रिकॉग्नाइज होंगे। हम उस दिन नवंबर 23 का मैंने आपको क्वेश्चन कराया है, नवंबर 23 का टेलीग्राम पे शेयर पड़ा है, नवंबर 23 वाले क्वेश्चन में भी दो बार शेयर खरीदे गए थे, पहले एसोसिएट थी फिर सब्सिडरी थी। तो जब हमने एसोसिएट को डी रिकॉग्नाइज किया था फेयर वैल्यू पे किया था, और जब हम फेयर वैल्यू पे डी रिकॉग्नाइज करेंगे तो कैरिंग अमाउंट से कंपैरिजन करेंगे, नफा नुकसान आएगा। एक तो ये कॉन्सेप्ट है, और दूसरा अगर आपके एसोसिएट के पास कोई ओसीआई पड़ा है, अगर आपके एसोसिएट के पास कोई ओसीआई है और आपने ओसीआई में अपना हिस्सा निकाला है तो उस ओसीआई को भी डी रिकॉग्नाइज करेंगे, लेकिन उसकी नेचर के हिसाब से। अगर वो रिसाइकलेबल है तो पीएनएल में चला जाएगा, नॉन रिसाइकलेबल है तो रिटेन्ड अर्निंग में चला जाएगा। मैं आपको ये पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखो इन केस एन एक्वायरर हैज अ शेयर इन ओसीआई रिजर्व ऑफ एन एसोसिएट इन सीएफएस India's 28 equity method, then share of acquirer in OCI reserve of the associate will also be derecognized by the transferring it to P&L or retained earning according to the nature of. आपने associate को derecognize कर दिया fair value पे, वो अलग बात है, आपने उसकी OCI में भी हिस्सा निकाल रखा होगा equity method से, तो उस OCI को भी derecognize करना पड़ेगा। आपको क्लास में समझाया हुआ कॉन्सेप्ट है, आपके नोट्स में ये पेज नंबर क्या है 56 आप पढ़ सकते हैं। अगर आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व है तो ये रिटेन अर्निंग में जाता है, लेकिन अगर कोई एफसीटीआर है तो पीएनएल में जाता है, रिसाइकलेबल नॉन रिसाइकलेबल, नेचर आपको पता है। शेड्यूल 3 में भी बताया था आपको कि ओसीआई दो तरह का होता है, एक पीएनएल में जाता है एक रिटेन अर्निंग में जाता है। मैं क्वेश्चन जरा पढ़ के दिखाऊं आपको, फिर आपको आंसर दिखाऊंगा क्लास का क्या कहता है क्वेश्चन। देखो PQR लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू अडॉप्ट इन डेज फ्रॉम 1 अप्रैल X1, मैं लिख लेता हूं, इनको इन डेज अडॉप्ट करने हैं 1 अप्रैल X1 से। ये अडॉप्शन डेट है, लेकिन आपको अच्छी तरह से पता है इन डेस 101 सबने पढ़ा हुआ है फर्स्ट टाइम अडॉप्शन का। अगर मेरे ऊपर आज 1 अप्रैल X1 को एप्लीकेबल हो रहे हैं तो मुझे कंपैरेटिव भी तैयार करने पड़ेंगे, तो इन द बिगिनिंग ऑफ कंपैरेटिव ईयर ये एप्लीकेबल होगा। अगर हम उससे पूछें कि इन डेस, तो मेरा ट्रांजिशन फेज ये होगा, अगर 1/4 X1 को मेरे ऊपर इन डेस लग रहे हैं और मुझे कंपैरेटिव भी तैयार करने हैं तो इन द बिगिनिंग ऑफ कंपैरेटिव ईयर 101 में बताया था आपको, तो ये मेरी ट्रांजिशन डेट होगी इन द बिगिनिंग ऑफ कंपैरेटिव ईयर। चलो आगे पढ़ते हैं जरा, विद कंपैरेटिव्स फॉर 1 ईयर X0 X1, मैं तो कह ही रहा हूं क्वेश्चन खुद ही बता गया। चलो जाके पढ़ते हैं, ऑन 1 अप्रैल X1 इस डेट को PQR acquired 30% ऑफ द
वोटिंग ऑर्डिनरी शेयर ऑफ एक्स वाई जेड 8,000 करोड़। हमने शेयर खरीदे हैं 30% कितने में, 8,000 रुपये में। तो 30% से कंट्रोल नहीं आता, एसोसिएट बनती है, इक्विटी मेथड लगेगा। इनिशियल रिकग्निशन विल बी मेड एट कॉस्ट, मैं 8,000 रुपये में रिकॉर्ड कर लूंगा। फिर आगे कहता है पी क्यू आर लिमिटेड अकाउंट्स इट इन्वेस्टमेंट इन एक्सवाइज यूजिंग इक्विटी मेथड एज प्रिस्क्राइब। हमें पता है जी सारी बात का, आगे चलते हैं। 31 मार्च X2 आ गया, ये हमने खरीदे हैं यहाँ। अब हम आगे साल के एंड में, साल के एंड में आपको प्रॉफिट में शेयर मिलेगा, हर चीज में मिलेगा। पी क्यू आर लिमिटेड रिकग्नाइज इट्स शेयर ऑफ नेट एसेट्स चेंजेस ऑफ एक्स वाई जेड यूजिंग इक्विटी कॉम्पोनेंट 700, 100 और 50, 850। ये इनका शेयर बनता है, शेयर शेयर शेयर। इसका 30% मत कर देना, ये ऑलरेडी शेयर है। तो आपको 850 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा। ये हो गया 8850, 31 मार्च को ये कैरिंग अमाउंट है। अगर आप 31 मार्च X2 की कैरिंग अमाउंट पूछेंगे तो मैं बोलूंगा 8,000 लगाए थे, 30% प्रॉफिट में शेयर आया मेरे पास, तो 8850 हो गया। इसमें एक तो P&L है, एक कोई एक्सचेंज डिफरेंस है FCTR, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व, और एक रिवैल्यूएशन रिजर्व है। ये तो RE में जाएगा, ये P&L में जाएगा, वो देखते हैं आगे। चलो द कैरिंग अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट मार्च X2 वाज 8850, सब कुछ जोड़ लिया, हमें पता है जी सारी बात का। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्या बताऊं इस क्वेश्चन में, बताओ। 1 अप्रैल X2 PQR acquired the remaining 70%। लो जी बाकी के 70% भी ले लिए, 100% शेयर आपके पास आ गए। अब आपकी एसोसिएट आपकी सब्सिडरी बन गई, आपको एसोसिएट को डी रिकग्नाइज करना पड़ेगा। तो जब मैं डी रिकग्नाइज करूंगा तो फेयर वैल्यू पे करूंगा, और मेरे को इसकी फेयर वैल्यू बता रहे हैं 9,000। तो अगर आप मुझसे पूछें कितने में खरीदे शेयर इन्होंने, 25,000 रुपये में। अगर आप मुझसे पूछें कि कंपनी कितने की, तो मैं बोलूंगा 25,000 तो मेरा एक पीसी है, 9,000 मेरी फेयर वैल्यू है, मैंने तो 34,000 रुपये में कंपनी खरीदी है। ये 30% की फेयर वैल्यू है, ये 70% की फेयर वैल्यू है, और मेरे को नेट एसेट्स बताए जा रहे हैं 30,000 के। तो मैं एंट्री पास करूंगा नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट 30,000 टू NCI 0, सारे शेयर मेरे पास हैं, टू इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू 9,000 और टू कैश 25,000, गुडविल कितनी आ जाएगी 4,000। लो जी 4,000 की गुडविल आ जाएगी, 9,000 के पुराने शेयर हैं, 25,000 और दे दिए, 9 और 25 34, 30,000 के एसेट्स हैं, 4,000 की गुडविल है। एक और बात बताता हूं, 9,000 की फेयर वैल्यू है, कैरिंग अमाउंट आपकी है ये, तो गेन कितना आ गया 150 का, 150 का तो गेन ये हो गया, प्लस एक OCI भी P&L में जाएगा। ये वाला OCI तो RE में जाएगा, ये वाला P&L में जाएगा, 100 का ये आएगा, तो 150 का गेन है, 100 का ये है, 250 आपका P&L में जाने। मेरा करवाया हुआ क्वेश्चन है बेटे, मैं तो रिपीट कर रहा हूं बस, सिर्फ इसलिए कि आपको ये ना लगे कि सर ने 71 की रेफरेंस दी और निकल गए। क्वेश्चन नंबर 71 क्लास में डिस्कस किया हुआ डिटेल में, ये वही क्वेश्चन है। अब आपसे पूछेगा ये देखो ना, मैं आपको एंट्री चेक कराता हूं। ₹30,000 के नेट एसेट्स हैं, 25,000 आपने कैश दे दिया, और ये आपकी 9,000 की फेयर वैल्यू है, 150 का गेन बुक किया हुआ है हमने, और ये गुडविल आ गई 4,000 की। फिर हमने क्या किया अगली एंट्री में, नेक्स्ट एंट्री में ये जो गेन आया 150 का, एक तो ये P&L में जाएगा, एक FCTR ये P&L में जाएगा, रीवैल्यूएशन रिजर्व रिटेन्ड अर्निंग में जाएगा। तो P&L में 250 गए हुए हैं हमारे, और ये सारी चीजें इन्होंने हमसे MCQ में पूछी हैं। मैं फटाफट से टिक मार देता हूँ, 4-5 क्वेश्चन है। कहते बताओ जी व्हाट इज द फेयर वैल्यू ऑफ टोटल कंसिडरेशन, आपने कितने में कंपनी खरीदी है, 9,000 और 25,000,
मैंने तो कंपनी 34,000 में खरीदी है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ गुडविल? गुडविल है जी 4,000। पहले का आंसर है ए, दूसरे का बी। कहता बताना जी जरा गेन कितना हो गया आपको? गेन हो गया 250 का सी। फिर कहता जी बताना जरा व्हाट इज द ट्रांजिशन डेट? ट्रांजिशन डेट बता दो दी। 1 अप्रैल x0 मेरे ऊपर इंडियंस लगे हैं 1 अप्रैल x1 को, तो इन द बिगनिंग ऑफ कंपैरेटिव ईयर, ये रहा ए। PQR प्रेजेंट इट्स कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर, कंपैरिजन कौन सा करना है? x0 x1। अगर यहां से ट्रांजिशन डेट है तो x0 x1 ये मेरे कंपैरेटिव बनेंगे, ये लो डी। ए और डी, ये है ए और ये है डी। क्वेश्चन खत्म। ए बी सी और ए डी, ये लो जी ए बी सी ए डी, डिट्टो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 71 103, स्टेप बाय स्टेप एक्विजिशन एसोसिएट विद ओसीआई। स्टूडेंट कहता जी आपने एफआर में 450 घंटे लगाए, मैंने तो लगा दिए, आपने कितना फायदा उठाया? जो काम मैं आपको, मेरा जो क्लास में मेन टाइम लगता है वो लगता है लिखने में, और मैं चाहता हूं कि बच्चा अपने हाथ से नोट्स बनाए। बच्चा कहता है जी टाइम नहीं है मेरे पास, तो मैंने हैंड रिटन नोट्स का पीडीएफ भी शेयर कर दिया टेलीग्राम पे। क्या आपने टाइम, आपके गूगल ड्राइव में भी अपलोड कर दिया कि टाइम बचाना है, चलो कोई बात नहीं। तो आपके जो 450 घंटे का कोर्स है वो सीधा 250 घंटे पे आ जाएगा, 200 घंटे तो लिखने के ही हैं। पर लिखने का एक फायदा बताता हूँ बेटे, जब आप लिखते हैं ना तो चीजें मेमोराइज करते हैं, जब हम लिख रहे होते हैं तो जितनी चीज मैंने बताई वो आपने लिखी, लिखते लिखते वो रिवाइज हो जाता है और वो पक्का हो जाता है। मन तो मेरा भी करता है कि फटाफट निकाल दूं, जैसे आजकल बच्चे पढ़ा रहे हैं, नए नए बच्चे पढ़ा रहे हैं, पर जो टेक्निक ट्रेडिशनल है वो हमेशा कामयाब रहेगी, ठोस रहेगी। पहले कॉन्सेप्ट फिर नोटिंग, नोटिंग करते करते जब बच्चा दोबारा पढ़ता है ना, बात दिमाग में परमानेंटली स्टोर हो जाती है। और अगर भागना है तो फिर नोट्स आपके पास है ही, सुनते जाओ देखते जाओ, सुनते जाओ देखते जाओ। ये सारी चीजें मेरी करवाई हुई है आपको। फिर आ गया जी इसके बाद डिस्क्रिप्टिव पार्ट। इसमें मेरे को कोई मत्था वत्था नहीं मारना सर, सारे क्वेश्चन मेरे कराए हुए हैं, लिस्ट मेरे पास बनी हुई है। लो पहला क्वेश्चन इंडियस 110 का, कंसोलिडेशन का। कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम्स में जाओ, कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम्स, कंसोलिडेशन के लेंथी वाले क्वेश्चन का एक अलग यूनिट बना रखा है हमने, कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम। ये उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टडी मैट का भी क्वेश्चन नंबर 1 है, ये स्टडी मैट का क्वेश्चन है। कट कॉपी पेस्ट, फिगर भी चेंज नहीं किए, नाम भी नहीं बदले इन्होंने। पेज नंबर 172, मॉड्यूल नंबर 5, सीधा पेज नंबर 172 पे जाके चेक कर सकते हो। कितने मार्क्स का है? 14 मार्क्स का क्वेश्चन है सर। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है, क्लास में आंसर किया हुआ है। लो जी 2A, इंडियस 109, व्हील कंपनी वाला क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन। अर्ली अर्ली रिडम्पशन, अर्ली सेटलमेंट, क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 133, डिट्टो, ना फिगर चेंज ना नाम बदले हुए। पेज नंबर 72, मॉड्यूल नंबर 3, कट कॉपी पेस्ट, सब आपके पास कॉपी पे लिखे हुए। मैं आ गया 2B में, इंडियस वन क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 30, डिट्टो कट कॉपी पेस्ट। पेज नंबर 27, मॉड्यूल नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 3A, लो जी इंडियस 105, कट कॉपी पेस्ट, डिस्पोजल ग्रुप का क्वेश्चन है, ना फिगर बदले ना नाम बदले ना डेट्स बदले, कट कॉपी पेस्ट। क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 169, मॉड्यूल नंबर 1, आपकी कॉपी में मेरे हाथ से सॉल्व किए हुए हैं सारे क्वेश्चन, मैंने अपने हाथ से सॉल्व करवा रखे हैं आपको, एक भी क्वेश्चन मैंने नहीं छोड़ा हुआ।
जब सारे क्वेश्चन हाथ से सॉल्व किए हुए हैं तो आपकी क्लास नोटबुक में होंगे, अगर आपने नोटबुक नहीं बनाई तो हैंड रिटन नोट्स में आप चेक कर लो, मेरे हाथ से कराए हुए क्वेश्चन है। अच्छा जी सर, 3B में आ गया बेटे मैं। 3B, Ind AS 21 फॉरेन करेंसी क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 7 मॉड्यूल नंबर 2। पता है ये कौन सा क्वेश्चन है जिसमें हमने नॉन मॉनेटरी आइटम की फेयर वैल्यूएशन की थी। हम क्लास में पढ़ते हैं ना कि मॉनेटरी को बैलेंस शीट डेट पे क्लोजिंग डेट पे दिखाओ, नॉन मॉनेटरी को एक्चुअल पे दिखाओ, फिर एक एक्सेप्शन पढ़ते हैं कि नॉन मॉनेटरी अगर फेयर वैल्यू मेजरमेंट में आ जाएगा, जैसे आपके पास पीपी है आप रिवैल्यूएशन मॉडल लगा लेते हैं, इन्वेंट्री एनआरवी पे लेके आनी है तो क्लोजिंग रेट आपको लगाना पड़ सकता है। तो नॉन मॉनेटरी आइटम की फेयर वैल्यूएशन थे इसमें, पीपी वाला क्वेश्चन है वही, कट कॉपी पेस्ट डिट्टो, कुछ भी नहीं बदला, ना फिगर बदले, ना नाम बदले, ना डेट बदले। मैं क्या कराऊं, किया हुआ है आपका, मेरे हाथ से सॉल्व किया हुआ है, कॉपी खोलो है। अच्छा जी, 4A इंडिया 16 क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 24 पेज नंबर 47 मॉड्यूल 1, कट कॉपी पेस्ट डिट्टो क्वेश्चन, डिट्टो। मैं क्वेश्चन नंबर 4B में आ गया, लो जी 4B क्लास बुक का, यह है Ind AS 102 का क्वेश्चन, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट का, ये क्लास बुक का है क्वेश्चन नंबर 16 पेज नंबर है 162 मॉड्यूल 2। और सबसे मजे की बात बताता हूं, ये MTP मार्च 24 में भी था, मार्च 24 में जो MTP आया था ये उसमें भी था, डिट्टो क्वेश्चन। लगातार दो अटेम्प्ट की MTP में आ रहा है ये क्वेश्चन, पेपर में आने के चांसेस है, पढ़ लेना। मैं आ गया सर क्वेश्चन नंबर 5A में, लो जी Ind AS 115 रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 24 पेज नंबर 12 और मॉड्यूल नंबर 4। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का अलग मॉड्यूल दिया था आपको, 115 का अलग मॉड्यूल दिया था। अगर मैं मॉड्यूल 4 बता रहा हूं तो ये सिर्फ 115 का ही है, 150-200 क्वेश्चन थे जो हमने निपटाए थे। फिर इसका बी सर, आपको एक मैंने एक चैप्टर कराया था एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टडी मैट से, उसमें केस स्टडीज हैं, अगर आप उसमें देखेंगे तो केस स्टडी नंबर ये है 10 डिट्टो पेज नंबर 42 मॉड्यूल नंबर 8, आठवें मॉड्यूल में ये चैप्टर है हमारा, मेरा करवाया हुआ क्वेश्चन है सर, कुछ है ही नहीं मेरे पास करवाने को, सब सेम क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन नंबर 6 में आ गया, लो जी 6 का ए Ind AS 113 फेयर वैल्यू मेजरमेंट क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 124 मॉड्यूल नंबर 6, पांच नंबर का डिट्टो, कट कॉपी पेस्ट, शेयर की वैल्यूएशन करनी है, ना फिगर बदले, ना नाम बदले, ना कुछ और बदला सर, कुछ तो चेंज कर लेता, कुछ करा तो देता आपको। फिर इसका बी पार्ट, लो सर इसका बी पार्ट, 6 का बी, इसमें आपको ये बताना है एज पर रोड मैप कि कंपनी कौन से फेज में कवर करेगी, क्या आपका आंसर बदलेगा अगर कंपनी अनलिस्टेड कंपनी है तो। पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन टू Ind AS में रोड मैप कराता हूं आपको, 1 अप्रैल 2016 सबसे पहले बताता हूं, 1 अप्रैल 2015 और उसमें था वॉलंटरी एप्लीकेशन, 1 अप्रैल 2016 अगर कोई कंपनी लिस्टेड है या अनलिस्टेड है लेकिन उसकी नेटवर्थ 500 करोड़ से ऊपर है, फिर 1 अप्रैल 17 जितनी भी लिस्टेड कंपनियां हैं चाहे वो 500 करोड़ से नीचे ही क्यों नहीं है सब कवर है, लेकिन अनलिस्टेड कंपनियां 250 करोड़ से ऊपर, याद है ना आपको सारी चीजें, तो करना क्या है नेटवर्थ निकालनी है इसकी, 160, 200, 150 रिवैल्यूएशन एजम नहीं देता, P&L और मिसलेनियस 80 माइनस कर देते हैं, माइनस 80 कितना आ गया ये 360, 460,
460, 510, 585, 505, लो जी 500 करोड़ से ऊपर चला गया। ये कंपनी 500 करोड़ से ऊपर वाली कंपनी है, तो ये 1 अप्रैल 2016 से अपने इंडियंस का कंप्लायंस करेगी। क्या आपका आंसर बदलेगा? अगर ये अनलिस्टेड कंपनी है तो आंसर इज नो चेंज इन आंसर, क्योंकि कंपनी लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, 500 करोड़ से ऊपर की है तो 1/4/16 से कवर हो गई थी। ये आंसर इसमें दिया हुआ है, आपको चेक कराऊं आंसर इसका। ये देखो इसका आंसर चेक कराता हूँ, ये इसका आंसर दिया हुआ है 505, और कहाँ गया जी 1 अप्रैल 16। इवन इफ कंपनी इज एन अनलिस्टेड कंपनी एज नेटवर्थ इज मोर देन 500 करोड़, इट वुड कवर अंदर 1 अप्रैल 16। कोई आंसर में फर्क नहीं पड़ना। अच्छा जी, ये इसका जो और वाला पार्ट है आप पढ़ लेना, आपको एक चैप्टर कराया था कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये थ्योरिटिकल आप पढ़ लेना बेटे, ये आपके लिए है। ये आ गया सी में, इंडियस 37 का क्वेश्चन है, लेकिन उठाया इन्होंने इंटर से है ये क्वेश्चन, AS29 के मॉड्यूल में है, CA इंटर में पढ़ा होगा, स्मोक फिल्टर्स वाला क्वेश्चन है ये, स्मोक फिल्टर्स, और ये स्मोक फिल्टर आपने लगाने थे सितंबर X1 में, और प्रोविजन की डेफिनेशन आपको पता है, देयर शुड बी सम प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू पास्ट इवेंट्स। प्रोविजन की चार कंडीशन याद है ना, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होना चाहिए वेदर लीगल और कंस्ट्रक्टिव, पास्ट इवेंट की वजह से होना चाहिए, आउटफ्लो प्रोबेबल होना चाहिए, रिलायबल एस्टिमेट होना चाहिए, चार कंडीशन। तो हमने फिल्टर इंस्टॉल करने हैं सितंबर X1 तक, और अगर X1 तक नहीं करेंगे, अगर हम सितंबर X1 तक नहीं करेंगे तो पेनल्टीज का प्रोविजन बनेगा, क्योंकि डेडलाइन क्रॉस हो जाएगी। तो हमसे पूछना बताना जरा 31 मार्च को क्या करेंगे, हम बोलेंगे नो ट्रीटमेंट, क्योंकि 31 मार्च X1 को कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ही नहीं है, डेडलाइन तो सितंबर X1 की है, तो मार्च X1 में आपका कोई ऑब्लिगेशन बनता ही नहीं। लेकिन अगर मार्च X2 की बात करें तो ये डेडलाइन क्रॉस हो गई है, अब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आ गया, तो आपको प्रोविजन बना लेना चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर पेनल्टीज लगेंगी। ये AS29 इंटर का क्वेश्चन है, वहां से उठा के दे दिया आपको, ये आपकी MTB है बेटे। डिस्क्रिप्टिव पार्ट बिल्कुल आसान है इसके अंदर, MCQ वाला पार्ट था वो डिस्कस करवा दिया मैंने आपको, और स्टेप बाय स्टेप आप प्लीज रिवाइज कर लेना, वो आपके रिवीजन में चल ही रहा होगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। ये MTP थी बेटे आपकी, और RTP MTP इस अटेम्प्ट के सारे हो गए हैं, मेरी तरफ से बेस्ट विशेज हैं, और अच्छे से पेपर करके आना, और अपना नाम चमकाना, अपने माँ बाप का नाम चमकाना, साथ में हमारा भी थोड़ा सा चमका देना। आप अच्छा करेंगे पेपर में तो आपके पेरेंट्स को भी प्राउड फील होगा और मेरे को भी प्राउड फील होगा सर। तो मेरी तरफ से मेरे बच्चों को बेस्ट विशेज हैं, ब्लेसिंग्स हैं, और पेपर फोड़ देना, घबराना बिल्कुल नहीं है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना, आराम से पेपर पढ़ना। आपने बहुत डिटेल में पढ़ाई की है, और एक बात और मान लेना कि अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता, आपको लग रहा है यार ये पढ़ा नहीं हुआ, तो फिर इंडिया के किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा, क्योंकि अगर मेरे बच्चे ने नहीं पढ़ा तो किसी ने नहीं पढ़ा। ये बात तो आपको कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ ये बात, क्योंकि हमने चाटा है FR को, पढ़ा नहीं है, कुरेदा है, एक एक चीज को हमने उधेड़ उधेड़ के पढ़ा हमने, और जो चीज आप मेरे बच्चे को नहीं आती वो दूसरे को तो आ ही नहीं सकती, सवाल ही नहीं पैदा होता। इस विश्वास के साथ आपने जाना है और फोड़ देना बेटे, और शॉर्टकट्स नहीं लेने, स्ट्रेस नहीं लेना, ठीक, हेल्दी रहना है, क्योंकि अगर सेहत खराब हो गई परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी आपकी। बेस्ट विशेज, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर करके आना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।